बाइक ने सर्विस के लिए दिया हुआ है तो पैदल जाना पड़ रहा है। मैं और मिन्हाज पैदल पैदल जा रहे हैं, 1 किलोमीटर होगा। रमजान में थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। आज आपके पास ज्यादा पैसा है तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास पैसे रहेंगे। हाँ, टोटल डैमेज है। फर्स्ट वाली वो नो भाई साहब, ऐसा लगा जैसे रोशनी गायब हो गई है। देख सही में गायब हो गई। Today we are 10 to 20 minutes late for our sehri, but koi nahi, abhi bhi time hai. We still have time about 20 minutes. Assalamu alaikum guys, this is Akib Nadeem, you're watching me on channel and Khan. I'm back again in the brand new vlog. Welcome to the 4th day of Ramadan. Chauthi sehri kar li humne, chautha roza bhi inshallah ho jayega kuch hi waqt baad. कुछ घंटों बाद, वक्त नहीं, फजर की अजान हो गई है। आज मैं सहरी वाला पार्ट कवर नहीं कर पाया ज्यादा, क्योंकि उसी में काफी लोग आ गए थे रूम में। फिर मैं कहा अच्छा ही लगता, वो लोग पता नहीं कैसा फील करेंगे कैमरे के सामने आना, यही समझ के। 5 मिनट पहले अजान हुई है फजर की, सुन्नत मैंने रूम में पढ़ ली है, क़ियामुल लैल भी पढ़ ली, सहरी भी कर ली, सारा काम खत्म करके, सारे टास्क कंप्लीट करके अभी जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ फर्ज नमाज पढ़ने के लिए। आज मैं सिर्फ रात में 3 घंटे की नींद ली हूँ, 1 बजे सोया था और 4 बजे के करीब उठ गया। दैट्स इनफ फॉर मी, अभी फिर से सो जाऊंगा तो वो कम्प्लीट हो जाएगा। आज जुमे का दिन है तो नमाज़ पढ़नी है जुमे की। अपने मस्जिद में भी पंडाल वगैरह लग गया है, बट उसमें होती है लेट में, 1:30 बजे शुरू होती है। हम लोग जहाँ जाते हैं नमाज़ पढ़ने, वहाँ पे 1 बजे ही हो जाती है, बट बाइक ने सर्विस के लिए दिया हुआ है तो पैदल जाना पड़ रहा है। मैं और मिन्हाज पैदल पैदल जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगभग कितना, 1 किलोमीटर होगा ना, 1 किलोमीटर होगा। रमज़ान में थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, हल्की सी धूप है, ठंडा मौसम है, सब बढ़िया चंगा सी। चलते चलते चौराहे पे पहुंच चुके हैं हम लोग। क्या जी बाय द वे गाइस, मेरी बाइक की जो है सर्विस हो गई है अभी। उधर एजेंसी से कॉल आया था जाना लेने के लिए, मैंने नफीस को कॉल किया, वो अभी सो रहा था। नमाज पढ़ लेंगे उसके बाद फिर जाके उधर से ले आएंगे। पहुंच गए, बात करते करते पहुंच गए मस्जिद सर सैयद हाउस, इसी में हमें अंदर जाना है। साइड दे दो, छोटी सी गाड़ी वाला तुमको बड़े से गड्ढे में गिरा देगा। आज मैं पैदल आया हूँ यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपको ये सब दिखा दे रहा हूँ आराम से। वैसे बाइक से आते थे अंदर सीधे घुस जाते थे। नमाज पढ़ के वापस अपने हॉस्टल आ गए, मतलब हॉल आ गए, अभी जा रहे अपने हॉस्टल रूम में। और फिर नफीस को मैंने कॉल किया था, वो जा रहा है नमाज़ पढ़ने, वो भी नमाज़ पढ़ के आएगा, फिर मुझे पिक कर लेगा, फिर चले जाएंगे एजेंसी पे और उधर से बाइक उठा के ले आएंगे। टुडे इज़ फ्राइडे, तो आज हम सूरह कहफ की कोई आयत को लेते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं इंशाल्लाह। मैं सोच रहा था किसके बारे में बात की जाए। चैप्टर 18 मतलब सूरह कहफ का वर्स नंबर 32 से लेके ऑनवर्ड्स है। एक पूरी एक स्टोरी है दो लोगों के, दो फ्रेंड्स के बारे में, मोस्ट प्रोबेबली ये बनी इसराइल के वक्त के। एंड पुट फॉरवर्ड टू देम द एग्जाम्पल ऑफ टू मैन, टू वन ऑफ देम वी हैड गिवन टू गार्डन्स ऑफ ग्रेप्स एंड वी हैड सराउंडेड बोथ विद डेट पाम्स एंड हैड put between them green crops. Each of those whose garden brought forth its produce and failed not in the least therein, and we caused a river to gush forth in the midst of them. And he had property, and he said to his companion in the course of mutual talk, I am more than you in wealth and stronger in respect of men. And he went into his garden while in a state of pride and disbelief. I think not that this will ever perish. I think not the hour will ever come. And if indeed I am brought back to my Lord, I surely shall find better than this when I return to him. His companion told him, Do you disbelieve in him who created you out of dust, then fashioned you into a man? But as for my part, I believe that he is Allah, my Lord, and none shall I associate as partners with my Lord. It was better for you to say when you entered your garden, that which Allah wills will come to pass. There is no power but with Allah. If you see me less than you in wealth and children. ये स्टोरी में मतलब 2-3 हिकमत वाली चीज है। मेरे को जो चीज ज्यादा कन्विंसिंग लगी वो ये है कि दो दोस्त थे, दोनों के गार्डन में अच्छी प्रोड्यूस आई थी। एक जो दोस्त था वो थोड़ा तकबर, जब गार्डन में एंटर करता है थोड़े तकबर में एंटर करता है और बोलता है कि ये जो चीजें हैं ये कभी खत्म नहीं होंगी। दैट मीन्स जो ग्रीनरी है उसके गार्डन में, जो कुछ भी ग्रोथ हुई है, प्रोड्यूस है, क्रॉप्स है, वो कभी खत्म नहीं होगा।
और हमेशा उसके लिए हरियाली रहेगी। उसके बाद फिर आगे के अल्फाज है, एंड आई थिंक नॉट द आवर विल एवर कम। वो बोलता है कि कयामत जो है कभी नहीं आएगी। एक तो पहले बिलीव ही नहीं कर रहा है कि कयामत आएगी, उसका दूसरा क्या बोलता है, अगर मैं अल्लाह ताला के पास चला गया तो भी मुझे जो अभी मेरे पास दुनिया में है उससे बेहतर मिल जाएगा, मतलब कि इसको दोनों जहां में मज़े ही मज़े मिल जाएंगे। तो उसका जो दूसरा कंपेनियन था वो बोलता है उससे कि तुम अल्लाह के साथ कुफ्र करते हो, मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ऐसा कुछ ना बोलता। इस स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग को जब कुछ चीज़ मिल जाती है इस दुनिया में, उनको लगता है कभी खत्म नहीं होने वाली, बी इट समथिंग ट्रेजिक और बी इट समथिंग विच मेक्स देम हैप्पी। कुछ अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको खुश कर रही है तो भी आपको लगता है भाई जिंदगी भर चलेगी, तो आप उसी में बहक जाते हो, और फिर जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब भी इतना रोना पीटना हो जाता है कि आप फिर कोसना शुरू कर देते हो अल्लाह को कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। इससे समझ में आता है कि कोई भी चीज़ एवर लास्टिंग नहीं है। सेम इज द केस विद द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। मान लो अभी आज आपकी फसल अच्छी हो रही है तो जरूरी नहीं कि हर साल आपको अच्छी फसल मिलेगी, कभी खराब भी हो सकती है। आज आपके पास ज्यादा पैसा है तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास पैसे रहेंगे। आज आपकी कमाई का जरिया अच्छा है, जरूरी नहीं हमेशा रहेगा। आज अगर आपकी कमाई का जरिया अच्छा नहीं, आप अगर आज तंगी में जिंदगी गुजारो तो जरूरी नहीं कि जिंदगी भर के लिए ऐसे रहो। अल्लाह ताला चीज़ों को जो है बदलता है। अपने जो अमाल हैं, हमें जो अल्लाह ताला ने फराइज बोले हमें निभाने के लिए, उसको कांस्टेंट रखना है, उसको ऊपर नीचे नहीं करना है, कांस्टेंट। बाकी चीज़ें, हालात, वक्त, ये सब ऊपर नीचे होता रहेगा। तकब्बुर वाला आदमी था, उसके फ्रूट्स वगैरह जो है बर्बाद हो जाते हैं, उसके क्रॉप्स जो है खराब हो जाती हैं। क्या घमंड दिखा रहा था पहले शुरू में आता है कि वो दिखा रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा वेल्दी हूँ, मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है समाज में, मगर जब उसके क्रॉप्स वगैरह खराब हुए, ही हैड नो ग्रुप ऑफ मेन टू हेल्प हिम अगेंस्ट अल्लाह। उसके पास कोई भी मैन पावर नहीं था कि उसको हेल्प कर दे अल्लाह के अगेंस्ट, नॉर कुड ही डिफेंड हिमसेल्फ। जो उसके पास पैसा था, पावर था, वो कभी उसके काम ही नहीं आया कि उसको डिफेंड कर ले। अच्छे अमाल करने वालों के लिए एंड भी अच्छा होता है। दैट्स इट। ये मैंने एक दो आयत नहीं पूरी, कम से कम ये स्टोरी की तरह था, तो 32 से लेके मैंने 44 तक लगभग एक्सप्लेन कर दिया। 45 में आता है अल्लाह ताला एग्जांपल देता है कि दुनिया की जिंदगी इस तरीके से जैसे पानी बरसता है ना, वेजिटेशन जो है ग्रीन हो जाता है, बट फिर कुछ वक्त बाद ग्रीनरी जो है खत्म हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। वैसे हमारी जिंदगी है कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हे के लिए, अभी हरियाली है, बाद में सूखा आ जाएगा। दैट्स इट गाइस। अगर टूटता भी हो तो अनजाने में लिया हूं मैं। हां तो नहीं, उससे नहीं टूटेगा गाइस। आपको अगर पता है कि रोजे के हालत में स्टीम लेने से रोजा टूट जाता है कि नहीं, तो कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से नहीं टूटता है। सवाल ऑफ द डे है, सवाल के जवाब कमेंट्स में दें। Assalamualaikum. और अपनी बाइक का पूरा काम, अरे यार शीशा अलग अलग हो गया, एक ज्यादा चमक रहा है, एक हाँ टोटल डैमेज है। तो बाहर निकले तब देखेंगे। अरे वो चेंज किया ना? क्या पीछे वाला? हाँ पीछे का जो कुत्ता काट दिया था। धुला है? नहीं। हाँ वॉश किया है। ठीक है, पीपीएफ है। ठीक है, पीपीएफ है। हाँ वो पीपीएफ निकल रहा है। 9829। ओके लास्ट सर्विस बाकी है, 13,000 रुपये करानी है। थर्ड वाली सर्विस जो थी मैं 800 एक्स्ट्रा चला लिया, मुझे लगा 10,000 रुपये, बट 9,000। कौन सी वाली? फर्स्ट सर्विस। फर्स्ट वाली वो नोट नहीं किए थे, वो जहाँ से मैं लिया था अपने होम टाउन से वहीं से, बट वो नोट ही नहीं किया था उस वक्त। पीछे वाला डिस्क पैड जो है वो चेंज हो गया, मिरर चेंज हो गया साइड वाला, लीवर बाकी है राइट वाला, वो भी चेंज करवा रहे हैं बस। गाइस नफीस अपनी सस्ती गाड़ी से सस्ती स्टॉप ही दिखाएगा, कुछ नहीं हुआ। छे थू इतना सा भी नहीं हुआ। खैर मेरा पूरा सर्विस हो गया है। अरे यार ये ऑयल डाला ना वो साफ नहीं किया है मैंने, ये लीवर चेंज करवाया, राइट साइड वाला मिरर चेंज हुआ है, ये चेंज हो गया है, ब्रेक पैड जो है वो घिस गया था वो चेंज हुआ है, बाकी ब्रेक ऑयल जो इसने फिल कर दिया है। अबे भंगार में भेज दो इसको, ये जलता है मेरी बाइक से। तो इसका टोटल जो खर्चा है वो 2829 आया, 2829 रुपए। इसमें नफीस का 3 बार CBR सर्विस होता है। गाइस आसिफ भाई को एडमिशन कराना था स्कूल में, तो आए थे यहाँ पे देखने के लिए, बट स्कूल शायद बंद है। गेट योर व्हाट्स नेम रजिस्टर्ड ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल क्लोज 2 को ही बंद हो गया, आप क्या करेंगे? अब एडमिशन इन एनी क्लास विल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन दैट क्लास अबाउट व्हिच रजिस्टर्ड। थोड़ा बहुत काम करने आते हो गया। ए माइक देना आसिफ भाई, माइक दे। बस अब जा रहे हैं हॉस्टल। हासिल करके हो जाए।
और शर्फ़ आलम भाई बताइए, मैं दो दिन तक नहीं आया, आपको कैसा महसूस हुआ? अरे भाई साहब, ऐसा लगा जैसे रोशनी गायब हो गई हो। देख, सही में गायब हो गई। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जवाब दिया गया है। खैर, फल की कटाई हो रही है इधर, बाहर पकौड़े की सिकाई हो रही है, इसमें चने हैं। इधर अलमास पकौड़े बनाने की जद्दोजहद कर रहा है। पकौड़ा बनाना कब सीख लिए? अच्छा, बाजार से हम लोग लाना कैंसिल कर दिए क्योंकि बाजार से बहुत महंगा पड़ता है, 200 रुपए किलो। त्योहार नहीं महीना है तरबियत। बड़ा खर्चा हो गया नहीं मिनहाज? बहुत खर्चा हो गया। 160 रुपए। 160 रुपए में कितने लोग करेंगे इफ्तार? 8 से 9 लोग। तरबियत का ये आयतों में गौर करें अगर कुरान। मगरिब का वक्त हो गया, सभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। मेरे पीछे एक बहादुर शेर है, बस कैमरा घुमाने की देरी है, मैं घुमा दूँ क्या सोच रहा हूँ। अरे That's it for today guys, now it's time to end this vlog. कोई ब्लॉसम स्कूल का है जो मेरा सब्सक्राइबर है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इनके, मुझे जानता है, प्लीज हमें एक सीट दे दो भैया। कौन से क्लास के लिए चाहिए आसिफ भाई? फिफ्थ और सेवन्थ के लिए। मुंह से बोलो यार, मुंह से बोलो। अब मुंह से ही बोल ले, मजा मत लो, ठीक है? हमको तो नहीं लगता ब्लॉसम का कोई देखता होगा मेरा ब्लॉग, ब्लॉसम वाले ब्लॉग्स नहीं देखते। वो मान गया।